तो भगवंत इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धिष्ठिता आचार्या जिन शासनोन्नति करा पूज्याय उपाध्याय का। अरे बड़े बड़े कारनामे किए जयशंकर पांडे ने, हीरोइन से लेकर कोकीन तक, तलवार से लेकर हथियार तक और बवालियों से लेकर मवालियों तक इस जयशंकर पांडे ने पकड़े हैं। स्मगलरों को किसने पकड़ा? आप ही का चमत्कार है प्रभु। दो नंबरी आपने, दस नंबरी वरदान है प्रभु, वरदान है आपको। आप चैनल टू के एंटीना की तरह क्यों हिल रहे हैं? सीधा खड़ा रहिए। सर, आपने इतने बड़े बड़े कारनामे किए हैं पर मैंने तो आपका नाम कभी नहीं सुना। अबे टकले, तेरे दिन भर गए तेरी तो। तेरे पिताजी का नाम क्या है? कहा, कहा? देखा, ठीक तरह से अपने पिता का नाम नहीं सुन सकता है। इनके कारनामे कान सुने होंगे तूने बैरे। सांप जब बात कहते हैं तो उस बात में बात होती है, बात के अंदर बात होती है और बात कमाल की बात होती है। इसलिए मैं सांप के चरण छुए बगैर आज तक खाना नहीं खाया। ए बाबूलाल के लिए चाय लाओ कोई। अरे सर आइए ना, जॉइंटस। बहुत डर्टी लुक दिया यार, लगता है जॉइंटिस हो गया है। घर छोड़ो, चलो तुम लोग बताओ कि चार्ल्स स्वराज को किसने पकड़ा था? आई शपथ साहब, मी नहीं पकड़ ले। अरे बेवकूफ, तुम डंडा ठीक से नहीं पकड़ सकते, चार्ल्स स्वराज को क्या खाक पकड़ोगे? अच्छा आप बताइए, चार्ल्स स्वराज को किसने पकड़ा था? साहब उस दिन मैं वसूली पर गया था। देखा, सबके सब चोर है साले। अरे बेवकूफो, चार्ल्स स्वराज को पांडे जी ने पकड़ा था पगलो। साहेब, चार्ल्स स्वराज को आपने कहाँ पकड़ा? ये अपने नाके पे भिंडी बाजार के। भिंडी बाजार में? वो तो गोवा में पकड़े गए। जब साहब कह रहे हैं भिंडी बाजार तो भिंडी बाजार ही हो सकता है, नल बाजार नहीं हो सकता। अपनी औकात में रहे, गोवा चला गया। बाबूलाल, जब भी किसी का फोन आए तो तुरंत मत उठाना,
क्यों गुरुजी? इसलिए कि पब्लिक को लगना चाहिए कि पुलिस एसपीजी। हेलो सब इंस्पेक्टर दयाशंकर पांडे स्पीकिंग। अंग्रेजी सुनी? मैंने तुम्हारे पुलिस स्टेशन में बम रख दिया है। अच्छा अच्छा, व्हाट? पुलिस स्टेशन में बम रख दिया है? हरामजादी तो बोल कहां से रहा है? नहीं बताऊंगा। नाम? बम रखने वाले के अपना नाम बताते हैं? अरे हेलो हेलो भाई साहब सुनिए, अरे भाई साहब कम से कम इतना तो बता दीजिए कि आपने बम रखा कहां पे? वो जो बहरा है ना? हाँ हाँ, उसकी जेब में। अच्छा अच्छा, और बम फटने में 10 सेकंड बाकी है। अच्छा बाकी है, अच्छा थैंक यू। हिलना मत। आप घर जाइए, आपकी छुट्टी है। क्या कहा? आपकी छुट्टी है, आप घर जाके फटिए, आपके चित्र उठाने का टाइम नहीं है हम लोगों के पास। लेकिन साहब हमारी ड्यूटी में 2 घंटे बाकी है। अरे आप घर जाइए वरना हम लोगों को लेकर फटेंगे भाई, आपके जेब में बम है यार। अरे हम लोग क्यों पकड़ लिए आपको? क्यों पकड़ लिया यार? बम निकालिए। अरे हम कहां से बम निकालेंगे? हमको बम बम निकालना नहीं आता यार। बम निकाला, बम पकड़ा, काम हमारा काम नहीं है। बड़े मुजरिमों को पकड़ा है, मेरा बम आप ही निकालिए। अरे मुजरिम फटते रहे यार, ये बम बढ़िया था, आदमी को लेकर फटते रहे यार। हाँ बस अब मैं आपका इंसल्ट और बर्दाश्त कर सकता हूँ। करना 5 सेकंड में करो बाबू लाल, मैं ढूंढता हूँ। अरे यार छोड़ो हमको, हमको छोड़ो यार, हमको छोड़ो। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, बम का बड़ा है संकट। बम बम बोले, बम बम बोले। ओह माय गॉड, डोंट वरी, हम इधर है ना, फिर डरने की क्या बात है? बम बम बोले, बम का बड़ा है टेंशन, पल पे दूर करे ओम जय जगदीश हरे, जगदीश हरे। बम 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 बाबूलाल, बाबूलाल हमको पता था किसकी जेब में सेब है, मैं चेक कर रहा था, सबके सब डरपोक है, एक नंबर का डरपोक है, और तुम हंस कर रहे हो? सेब की दुकान से बगैर पैसा दिए सेब उठा कर ले आते हो, वो लोग परेशान करने के लिए इस तरह का फंका डालते हैं। बाबूलाल हमारे देश में तुम जैसे नौजवान कम है, इसीलिए हम पीछे हैं। कोई ठंडा पानी लाओ मेरे लिए। तो गुरु जी चलो डरपोक कहीं के मम से, सबके सब डरपोक है, हमको मालूम था सेब है। हाँ जी, ये बॉटल खुली है, पानी बिस्लेरी है ना? जी बिस्लेरी है। थुके, थुके। आप सिद्ध है, बाकी सब गिद्ध है, आप सोबर है, बाकी सारे जितने सब गोबर है। नहीं 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 जल्दी नहीं, पुलिस बिजी बिजी। हम तुमको चेक कर रहे थे। हेलो सब इंस्पेक्टर पांडे स्पीकिंग। पांडे साहब, एक बहुत ही खतरनाक आदमी ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ गया है और नीचे कूदने की धमकी दे रहा है। तो कूद रहा है तो उसे कूद जाने, तो तुम नीचे काहे को खड़े हो? तुम नीचे से हट जाओ, कहीं तुम पर ना कूद जाए। वो सचमुच नीचे कूद जाएगा? अरे ये सब गिदड़ भपकिया है, साला उल्लू है, लल्लू बना रहा है। और देखो इस प्रकार के केस में पांडे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ तुम लोगों ने बहुत मारा मेरे को लॉकअप में, अब कोई ऊपर आया तो खुद ही मार दूंगा। मैंने बोला ना खुद ही मार दूंगा तो खुद ही मार दूंगा। ए, कौन है तू? तू भी टपोरी, अपुन भी टपोरी, तू भी फांदेबाज, अपन भी फांदेबाज। आगे मत आना, आगे मत आना, आगे आता नीचे कूद पड़ूंगा। सिगरेट पिएगा? मेरे को नहीं पीना सिगरेट। एक नंबर की चरस है इसमें, एकदम कश्मीरी। तू अपना जात भाई इसलिए पूछा? मांगता है क्या? क्या हाथ कड़ी? मगर तू तो
हथकड़ी वाला इंस्पेक्टर शिवा। एक मासूम छोटी सी बच्ची का बलात्कार किया है ना तूने? चल इधर। कुदी कुदी मारने को। कुदी कौन मारेगा? मैंने आपको कुदी मारेगा। कुदी नहीं मारूंगा। अब कुदी मारने का वक्त है तो कहता है कि कुदी नहीं मारूंगा। मैं नहीं मारूंगा। अबे तू क्या तेरा बाप कुदी मारेगा। चल ले जाओ उसे। शिवा फिर ड्यूटी पे? यार कानून ने याद किया तो बंदे ने फर्ज निभा दिया, और पुरानी यादों ने याद किया तो बंदे ने ये पवा निकाल लिया। तू इतनी ऊपर से कूदा, कुछ हो जाता तो मर जाता तू। ये ना ही कौन चाहता है यार, और वैसे भी अपनी असली जिंदगी तो मौत के बाद ही शुरू होगी। हाँ ये सब नाटक तो चलता ही रहता। हाँ सलाम, देखो ये गुरु मंत्र है, तनख्वाह मिले जितनी ड्यूटी करो उतनी, समझ रहे हो गुरु? अरे क्या कर रहे हो यार, अब पैर छू लिया हूँ, शांति से रात का खाना भी खा सकता हूँ। अच्छा जी चलो फिर, ख्याल रखना अपना। चलो हाँ जी। दया शंकर पांडे जी कैसे हैं आप? बस बढ़िया। कहाँ चल दिए? बस ड्यूटी फिनिश होगा निकलना। नहीं आज आप ओवर टाइम करेंगे। ना ना ना, अपना दो रोटी से काम चलता है, ढाई कमा के क्या करेंगे यार। छोड़ो पांडे जी, बात रोटी की नहीं है, बात यह है कि रमाकांत आज फिर ड्यूटी पर नहीं आया। ये रमाकांत का क्या नाटक है यार, कभी ये बीमार कभी वो बीमार, कभी ये लफड़ा कभी वो लफड़ा, ये कौन है? हाँ ये वही है जो बिल्डिंग पर चढ़ गया था। क्यों बे, बिल्डिंग में क्यों चढ़ गया था? चल तुमने पकड़ लिया इसको? और क्या, चलो अब ओवर टाइम करने में कोई दिक्कत नहीं है। चले चलो, बहुत काम है। चलो यार कुछ नहीं, बाबूलाल को बता रहे थे कि पहले जहां हम काम करते थे वहां पर हमारी क्या पोजीशन थी। बाद बाद में तो ऐसा हो गया था कि हम घर से बाहर, गुंडे मोहल्ले के बाहर, हम मोहल्ले के बाहर गुंडे शहर के बाहर, हम शहर के बाहर गुंडे मुल्क के बाहर, हम मुल्क के बाहर गुंडे मुल्क के अंदर। यार ऐसा क्या कर रहे हो, हम झूठ बोल रहे हैं क्या? नहीं प्रभु, कैसी बात कर रहे हो? सबूत क्या कोई ला रहे हो? नहीं नहीं, हम कह रहे हैं हम जिंदगी बहुत साफ देखे लेकिन आप जैसा नहीं देखा। प्रभु कैसी बातें कर रहे हैं? हेलो सब इंस्पेक्टर दयाशंकर पांडे स्पीकिंग। मैं श्री कुलकर्णी बोल रहा हूँ। हेलो बोलो साहब, नमस्कार सर। हमें अभी अभी खबर मिली है कि वांटेड स्मगलर बाबू खाना होटल डिंपल की रेस्टोरेंट में बैठा है। हाँ साहब बोलिए। तुम फॉरन पुलिस फोर्स ले जाकर उसे अरेस्ट करो। ओके सर, आई विल डेफिनेटली डू द रिपोर्ट सर। ओके सर। करना पड़ेगा, गिरफ्तार करना पड़ेगा। अरे बाप रे बाप, बाबू गाना जिसने अभी तक 107 खून किए, 45 बलात्कार किए और 7 फैमिली को उड़ा दिया, तो पुलिस वालों को भी मारा था उसने। अरे बाप रे बाप, ये मुझे फोन क्यों आया? क्या हुआ गुरुजी? हुआ नहीं, होगा। बाबू काना गिरफ्तार होगा। होगा प्रभु, आज तो चमत्कार होगा। आइडिया, मैं होटल डिंपल के बजाय उसके बाजू वाली होटल सिंपल में रेड मार दूंगा। जब यह खबर डिंपल में जाएगी तो बाबू काना होशियार हो जाएगा और वहां से निकलकर भाग जाएगा। फिर मैं होटल डिंपल में रेड मार दूंगा और एसीपी साहब से कहूंगा कि बाबू काना भाग गया। जब काम बेहतरी से होता है तो खून खराबा क्यों करें। क्या हुआ गुरु? अरे दुश्मन के पास ऑटोमेटिक वेपन भी हो सकता है भैया। बाबू गौना साहब, पुलिस कैसे आ गई? इसलिए कहा था बेवकूफ कि होटल डिंपल में आके मिलो। अब क्या होगा? निकल जाओ, निकल जाओ, जाओ। ठीक है। ये साला शक्ल से ही गुंडा लगता है, इसी को पकड़ लेता हूं। ये पकड़ा जाएगा यहां से, बाबू काना भाग जाएगा वहां से, फिर बयान लेकर छोड़ दूंगा। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, खूनी दरिंदे स्मगलर, तुम कानून की निगाह में धूल झोंक सकते हो
मगर दया शंकर के नहीं। हैंडजब हैंडजब तू जानता नहीं मैं कौन हूं? अबे तो कोई भी हो, वो तो नहीं। मैं बहुत बड़ा गुंडा हूं। अबे तू कितना भी बड़ा गुंडा हो, उससे तो छोटा है। खबरदार मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की तो। अबे तुझे गिरफ्तार नहीं करूंगा तो क्या उसको गिरफ्तार करूंगा? मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ, जान से मार डालूंगा। गंगे मेरे साहब को ढंग से मारेगा। बाबूलाल कंट्रोल योर इमोशन, जस्ट कंट्रोल योर इमोशन। आई एम इन कंट्रोल एंड यू आर अंडर अरेस्ट। वेल डन माय बॉय, वेल डन सर। वेल डन, यस वेल डन। आखिर तुमने बाबू काना को पकड़ ही लिया। बाबू काना? यस। बहुत डेंजरस लगता है साला, ये आइडिया तो भारी पड़ गया। ये मैंने क्या पंगा ले लिया यार? इसमें भी कोई बात होगी गुरुजी। अरे क्या बात है? कोई बात नहीं है, टेंशन वाली बात है। दिमाग खराब हो गया, जाकर ठंडी हवा खा के आता हूँ। ठंडी हवा में भी कोई बात होगी? आप जाइए गुरुजी, मैं इसको देखता हूँ। जाइए आप। इसको ध्यान रखना इसका। अरे रे रे, अरे बाप रे, कहा हुआ बाबूलाल? ये बाबू काने का झमेला तो टेंशन का तबेला है रे। तबेला? बाबू कितना कहत रहे थे बेटवा, खानदानी तबेला छोड़ कर ना जा। पर हम कहा सुनत रहे, कितना मजा आवत रहा था भाई साहब के संग। वैसा को बुलाए के ये लय के पनिया का छिटा मार के दवा निकाली। कमला? अरे कमला, अरे कमला, अरे कमला, अरे कमला कैसी है तू? ठीक है ना? चक्कर वक्कर तो नहीं आ रहा? उल्टी उल्टी तो नहीं हो रहा है? अच्छा कहाँ है तुम्हारा बाप, तुम्हारा सौतेला बाप? हमारा बापू गए शहर, तुम्हार बापू गए नहर। तुम्हार बापू गए शहर, हमार बापू गए नहर। तो कहाँ देखा था आज हमार गोदी माँ? अरे हट बाबूलाल। अरे कमला, अरे कमला, अरे रुका हो, रुका है। अरे एक हो गए हम और तुम, तो उड़ गए निंदवारे तबेले में। अरे घुस गए भैया, अरे हमारे कमला, अरे गोबर से मुंह भर गए रे। हम तो सब ऐसे गंदी है, हमारा पूरा चेहरा खराब है, हम जाते हैं। अरे कमला, कमला, अरे कमला रुका, अरे बात सुना। अरे भैंसा, आज त्योहार खातिर हमार कमला चले गए। ए कमला रुका, तुहार मुंह धो तो क्या छोड़ नहीं, गंदा भैंसा नहावत में खाई नहीं। नींद में चल रहे से भरा हुआ एक बहुत बड़ा ट्रक वक्त पर छूट रहा है। जब वक्त सही चलता है तो हर चीज सही होती है सक्सेना। जजन साहब आपका धंधा भी कमाल का है, पुलिस आतंकवादियों पर छापा मारकर उनके हथियारों को अपने कब्जे में लेती है और आप उन्हीं हथियारों पर डाका डालकर फिर वही हथियार आतंकवादियों को बेच के लाखों कमाते हैं। बाबू काने की टेंशन हो गई यार। सुहाना सफर बाबू काने तुमर।
हमें डर है हम फंस न जाए कहीं। ये आसमां झुक रहा है जमीन पर जीव लिखवाली, ये मिलन हमने देखा यहीं पर। लो टपरी करना निकले और पेट्रोल डालना भूल गए, जंगल में अटक जाएंगे यार। पुलिस इंस्पेक्टर चलो पेट्रोल पंप पहुंचाओ चल। उस्ताद पुलिस वाला किधर? चलो पेट्रोल पंप का चलो भगाओ तेज भगाओ। लटक गया साला, अपने आप को टेरिंग बात समझ रहा है? गिरा साले को। अरे नहीं भाई साहब, भाई साहब देखो तीर गिनता हूँ। भाई साहब कहीं रोके यार। बॉस बहुत डेंजर ऑफिसर दिखता है, ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है वो तो। क्या ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है? अबे गाय अबे लोग गाय लोग रुक रुक तेरी बंद कर मारू। वो डाल दिख रहा है सामने के पेड़ का, उसमें जाकर नीचे से बिल्कुल सटाक से निकाल, खुद वो खुद गिरेगा साला। बजरंग बली देख देख पीछे देख, गिरा क्या देख। गिर गया साला, पुलिस वाला गिर गया। वो अपने आप को बहुत छाड़ा समझ रहा था, नहीं साला डेरिंग बात समझ रहा था। हाय साहब पैसे चुप साले, कभी से बोल रहा हूँ गाड़ी रोक गाड़ी रोक गाड़ी रोक, तो रोकता क्यों नहीं है बे? साला शक्ल से गुंडा लगता है। भाई साहब आपको रोकना चाहिए। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब यू आर ऑल्सो गुंडा टू, अरे क्या कर रहे हो यार? अरे भाई साहब देखिए मैं प्यार से समझा रहा हूँ, समझ लो मैं कह रहा हूँ। अरे भाई साहब दिस इज नॉट द रिस्पेक्टेबल वे, अच्छा नागरिक की तरह बंदूक दे दो। अरे यार मोटरसाइकिल गवाओ का हिसाब भी देना पड़ता है गवर्नमेंट को यार, प्यार से ऐसा नहीं करते यार, ऐसा फोकट का छोड़ आज मैं क्यों लगा रहे यार बंदूक। अब फंस गए निकाल बहन का भाई साला, रिवॉल्वर छीन लिया तेरे दोस्त से, रिवॉल्वर छीन लिया मोटरसाइकिल उठ उठ। हवलदार यस सर। अरेस्ट हिम। वेल डन दयाशंकर, वेल डन वेल डन। क्यों? अरे वाह दयाशंकर वाह, आपने तो कमाल ही कर दिया। अब मैंने क्या किया? आपने तो करोड़ों के हथियार पकड़े हैं। मैंने कहा पकड़ा, हो गया फोकट का लफड़ा। कर दयाशंकर कर और कारनामे कर। सालों अगर ये कारनामे बंद नहीं हुए तो मेरे फोटो पर भी ऐसी हार चढ़ जाएगा। नहीं जी नहीं जी भैया नहीं चाहिए। क्यों क्या हुआ? नहीं मुझे इस किस्म का हार नहीं चाहिए। अरे यही तो बड़े आदमी के लक्षण है। आप ऐसे कारनामे कर कैसे लेते हो? कौन करता है, सब हो जाता है। हाँ हर बड़ा आदमी ऐसे ही कहता है। बड़ा आदमी? हम बड़े आदमी? अरे भी आपने हमारे बड़प्पन के किस्से सुने कहा है? देखो सच्चाई सुनने के लिए इंसान के पास एक बड़ा दिल एक बड़ा गुर्दा होना चाहिए, वो है आप लोगों के पास? हाँ है। तो मैं सच बोलूं? हाँ सुनोगे? हाँ? देखिए जब अपना किस्सा सुनाना शुरू करें ना तो आप लोग हमें बीच में रोकना नहीं और स्टॉप दैट कहकर टोकना नहीं। मैं अपने सर पे आकर के कसम खाता हूँ कि मैं जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगा, लेकिन मैं जब भी किसी से कुछ कहने जाता हूँ तो वो लोग मुझे बोल देते हैं। Hey! Hey! Hey!
कर देखो हंसना नहीं, उसे झूठ मन कर कहीं फंसना नहीं। मैं सब सच कहता हूँ आपकी कसम, मैंने पिया नहीं विस्की बियर या रम। माधुरी दीक्षित मिली रास्ते में, खाए चने हमने सस्ते में। उसने कहा तेरे संग शादी रचाऊं, घर तेरे आके मैं पराठे पकाऊं। माधुरी को कहा मेरे घर ना आना, श्रीदेवी को बोल दिया ना बाबा ना। चाहे दहेज में दे मुझे सोने की कार, या आके कोई दे दे मुझे हीरो कार, पर शादी के लिए मैं तो कच्चा हूँ, अभी 100 साल का छोटा बच्चा हूँ। मेरे दद्दू पहने डायपर, चश्मे पर उनके वाइपर, डैडी की टूटे हड्डी जब खेले वो कबड्डी। मैंने एवरेस्ट पे फुटबॉल खेला है, दोनों हाथों से ट्रेन को धकेला है। उस टाइम में दारा सिंह मेरा चेला है, मेरे घोड़ों का चांद पे तबेला है। आज तुम ताजा समाचार, देश में चलेगी अब मेरी सरकार। बिना पैसे दे दूंगा मैं हर किसी को कार, पेट्रोल भी मिल जाएगा सबको उधर। मुफ्त में बांटूंगा मैं रोटी और कबाब, घर में से निकलेगी ठंडी शराब। अब इनकम पे कोई टैक्स नहीं रहेगा, और 100 के नोट पे मेरा फोटो छपेगा। रिश्वत कंपलसरी करने का अभियान होगा, लेटेस्ट फैशन का ड्रेस चड्डी बनियान होगा। कोई भी चुनाव हारा सर मुड़वाएगा सारा, जो देगा झूठे भाषण ना मिलेगा उसे राशन। घर वाली मिलेगी सबको गूंगी, ऑफिसर पहनेंगे अब सिर्फ लूंगी। डॉक्टर मुफ्त में ऑपरेशन करेंगे, सरकारी कर्मचारी सब काम करेंगे। अच्छा फुटबॉल सीखे, गंजा पूछे कहाँ गया मेरा कंगा, लूले ने मारा मुक्का तो हुआ दंगा। सुपारी खा के बूढ़ा मारे पिचकारी, साले ने देखा उसे एक आँख मारी। गुंगा बिना सूरत ताला गाने लगा, गान ये सुन बहरे ने बंद किए अपने कान। तभी एक टिंगू पेड़ से गिराए नारियल, अब से ज्यादा बच्चे वालों को तो हो जाएगी जेल। पागल भी चेस खेले, क्रिकेट खेलेगा पेले। मिस इंडिया रखे दाढ़ी, रेम्बो पहनेगा साड़ी। बूढ़े होने पे सबकी हाइट घटेगी, शुद्ध हवा पे सरकार टैक्स रखेगी। सबके बोने से पैसों की बिल खिलेगी, प्यार करने के लिए परमिट मिलेगी। जब मुझे साइन किया, साथ बैठे हम दोनों ने वाइन पिया। जगी जान को सिखाई मैंने फाइट एक्शन, मेरे गानों को चुराए माइकल जैक्सन। एक्टर नहीं मैं क्रिकेटर भी हूँ, मैं तो कपिल से बढ़िया हार्ड हीटर भी हूँ। तभी घबरा कर कांबली ने शाउट किया, जब सचिन को मैंने बोर्ड आउट किया। जब मैं लेने गया बेसन, चक्की पे मिला टाइसन। दिया ना मुझको आटा, तो मैंने मारा चाटा। पीटी उषा ने मुझे ड्रिंक कोल्ड दिया था, जब ओलंपिक दौड़ में मैंने गोल्ड लिया था। एक ज्योतिष ने जब मेरा हाथ देखा था, ना होगा कोई मेरे जैसा ऐसा कहा था। मेरी बातें सुन के देखो हंसना नहीं, उसे झूठ मन कर कहीं फंसना नहीं। मैं सब सच कहता हूँ आपकी कसम, मैंने पिया नहीं विस्की बियर या रम। Thank you.
कहाँ है? करियानिया उसी ने तो मीटिंग बुलवाई थी। एंड्रे नमस्कार नान बरोग स्वल्प होता सारी लेट क्या करिया इतनी अर्जेंट मीटिंग बुलाने का मतलब? अयो वो तुम्हारा आदमी उदय शेट्टी पुलिस पकड़ा ना उसको। बस इतनी छोटी सी बात? अयो ये चिंगार ये बहुत छोटा होता है जी मगर उसका आग बहुत बड़ा। कभी वो उदय शेट्टी पुलिस के सामने मुंह खोला तो करिया पुलिस की भट्टी में तब कर ही हमारा आदमी सोना बनता है और फिर उदय शेट्टी इंसान की मिट्टी से नहीं गुनाह और जुर्म के पत्थर से बना है कुछ नहीं बोलेगा। जयचंद आज हमें एक फैसला करने को आया फैसला करके वापस जाएगा। किस बात का फैसला? वो तुम्हारा आदमी उदय शेट्टी को पुलिस तोड़ेगा तो वो तुम्हारा नाम नहीं जिए हमारा नाम बोलेगा उधर। इसलिए हम तुम्हारे गैंग के आदमी लोग के साथ काम करने को तैयार नहीं था। अभी हमको ये टेंसर खल्लास करने का है अभी हमको तुम्हारा साथ छोड़ना चाहता। हमारा साथ छोड़ना चाहता? बिल्कुल जी बिल्कुल। हम अपना पुराना धंधा चालू करेगा इतना चुटकी भर पाउडर बेचता तो लाखों कमाता। ज्यादा उछाल मत मार डूब जाएगा। करियन्ना डूबने के लिए पैदा नहीं हुआ जयचंद डुबाने के लिए पैदा हुआ। अक्का दुनिया को डुबाएगा ये करियन्ना। ए करिया तू अक्का दुनिया को डुबाएगा क्या? तू मेरे भाई को क्या बोला ऊंची आवाज में कि अक्का दुनिया को डुबाएगा? ले तेरे वास्ते लाया क्या पानी और ये देख ये क्या करिया करिया देखो ये जाता है ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ये करिया डूब गया। करिया डूब गया ताली मारो सब लोग भैया आप भी ताली मारो ना करिया डूब गया। करियन्ना माथे पे चंदन का टीका लगाता और दुश्मन को चंदन की लकड़ी पे जलाता। करियन्ना का दुश्मन वेरी कास्टली जयचंद वेरी कास्टली। जयचंद यह मजाक तेरे को बहुत महंगा पड़ेगा। यह साला तेरा पागल भाई है। भैया मेरे को पागल बोला? अरे पागल को पागल नहीं तो क्या शाना बोलेगा? तेरा भाई मेरा इंसल्ट करता और तू तालियां बजाता जयचंद। करिया मैं खून का समंदर देख सकता हूं मगर अपने झूठे की आंख में आंसू नहीं। इससे पहले कि मेरे अंदर का जानवर जाग जाए तेरे शरीर की बोटी बोटी करके कुत्तों को भेज दो। अपनी काली सूरत लेकर दफा हो जा। पिताजी पिताजी ये देखिए। अरे वाह मैं माँ को भी दिखाती हूँ। हाँ माँ माँ जल्दी बाहर आओ। कमाल कर दिया। फिर कमाल? अरे छुटकी है जो कमाल हो रहा है ना इसे मैं हिला हुआ हूँ। अब सुबह सुबह कौन सा कमाल कर दिया मैंने? ये देखिए ना भैया। दया शंकर का एक और कारनामा। सब इंस्पेक्टर दया शंकर पांडे ने अपनी जान पर खेलकर खतरनाक गुंडों से जमकर मुकाबला किया। भैया आपको क्या हुआ? नहीं खुशी से हाथ कांप रहा है मेरा। और भैया ये आंसू? ये भी खुशी के हैं। बेटे तूने तो आज हमारा सर बकरे से ऊंचा कर दिया। तू नहीं जानती माँ मेरा सर उस बकरे की तरह है जो कभी भी कट सकता। स्मगलरों के साथ पंगा हो गया है बहुत बड़ा पंगा। क्या होगा मेरा? क्या सोच रहा है? कुछ नहीं माँ आने वाले कल के बारे में सोच रहा हूँ। भैया आप ऐसे गुंडे स्मगलरों को रोज पकड़ा करो ताकि आपकी तस्वीर रोज अखबार में छपे। चुप है चुप कर। तारीफ मत किया कर तू मेरी। तब मुझे मरवाने के चक्कर में मैं गुंडों को पकड़ता जाऊंगा सब लोग सर उठा के जिएंगे और मेरा सर हे भगवान मेरा क्या होगा। सर सब इंस्पेक्टर दयाशंकर तुम्हारी बहादुरी के कारनामों से खुश होकर सरकार तुम्हारी तरक्की कर रही है। अब
तुम सब इंस्पेक्टर नहीं बल्कि इंस्पेक्टर बना दिए गए हो। इस तरक्की से तो स्मगलर लोग और भड़क जाएंगे। ये तरक्की तो पंगे बढ़ाने वाली तरक्की है, बहुत गड़बड़ है। मैं तो इस तरक्की के बगैर ही सुखी था यार। पांडे जी। कौन है? पांडे जी, क्या सोच रहे हैं? मैं अपने आने वाले कल के बारे में सोच रहा हूँ। अरे पांडे जी, आपका आने वाला कल तो एकदम फिट है। हाँ हाँ, दिखाई पड़ रहा है। अरे छोड़िए पांडे जी, आपकी तरक्की की खुशी में तो एक पार्टी होनी चाहिए। क्यों सर, पार्टी होनी चाहिए? अच्छा प्रणाम। और क्या हाल है कॉलेज में, सब ठीक ना? हाँ ढंग से है, मैं वहाँ पे राउंड मारता रहता हूँ मैं। हाँ अरे अरे, ये दारू सामने मतलब, अरे देखो। कम प्रिया, कम। अरे यार पी, मगर जरा कम पी शिवा, शराब कलेजे से लग जाएगी तो कलेजा जल जाएगा। अपना कलेजा तो कब का जल चुका है दयाशंकर जी, अब तो सिर्फ बुझाने के लिए पीते हैं। चीयर्स। नहीं यार, देखो तुम्हारी दोस्ती बहुत अजीज है हमको दोस्त, मत पी। अरे मुझे कुछ नहीं होगा दयाशंकर, अपनी दोस्ती सलामत रहेगी। दयाशंकर, तुम्हारा ग्लास कहाँ? हाँ सर, नहीं सर, मैं कभी पीता विता नहीं। भाई आज तो पी लो थोड़ी सी स्कॉच। ना सर, ना मैंने कभी पी है, ना मैं कभी पीऊंगा। हमेशा पीता रहा हूँ बाबूला, हमेशा पीता रहूंगा। वहां भी पीता था, यहाँ भी पी रहा हूँ। कल भी पीता था, आज भी पी रहा हूँ। गुरु की खुशी में अब भी पीऊंगा। अरे सब बातें होता है सर। गुरु मैं भगवान है, सॉरी। थैंक यू। ओ ये मेरी फ्रेंड है। हाय रितु। हाय काव्या। गॉश, गुड टू सी यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। हाउ आर यू बेबी? फाइन, लॉन्ग टाइम नो सी। देखा तुमने बुलाया, हम चले आए। थैंक यू सो मच रितु। इनसे मिलिए, ये इंस्पेक्टर दयाशंकर जी। हाय, मेरे की तरक्की की खुशी में ये पार्टी दी जा रही है। ओके, मुबारकबाद नहीं दोगी क्या? श्योर, कांग्रेचुलेशन। दयाशंकर जी, ये ऋतु है, ये कनाडा में रहती है। आई सी। इनका हिंदुस्तान में कोई नहीं है, मगर हिंदुस्तान से बहुत प्यार करती है। आई सी। ये मेरे बचपन की फ्रेंड है। हिंदुस्तान घूमने आई है। घूमने आई है, घुमाने आई है जी। अरे दयाशंकर जी, ये इसका स्टाइल है, फॉरेन से है ना? अरे फॉरेन से हो या चांद से, है तो हिंदुस्तान से। ये बात भी सही है। जब भी मैं आप जैसी किसी लड़की की तरफ देखता हूँ ना, तो मैं और मेरी तन्हाई अक्सर यही बातें करते हैं। क्या? कि अगर इसी तरह हर लड़की का कपड़ा घट जाए और बची हुई लड़कियों में बढ़ जाए, तो हर जवां दिल का एक ही तसव्वुर, एक ही ख्याल होगा। माथे पे पसीना, हाथों में रुमाल होगा, इन्हीं के चर्चों का धमाल होगा, और हर मर्द की जुबा पर लफ्ज संभाल 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 होगा। वो वक्त भी क्या कमाल 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 होगा, जब हम जैसी लड़कियों का धमाल 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 होगा। वेरी गुड ऋतु। दयाशंकर जी, दयाशंकर जी, मुझे लगता है दयाशंकर को अच्छा नहीं लगा। क्यों, मैंने कुछ गलत किया? तुमने कुछ गलत नहीं किया, मगर एक एक मिनट नीता। हाँ भैया। एक बात सुनो। ठीक है? ठीक है ऋतु। आप और आपकी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। ये बातें करने वाली तन्हाई की बात में भी बात है गुरु। क्यों बाबूलाल, क्यों लगा तुमको ऐसा? ये तो अमिताभ के सिलसिले की बात है गुरु। हम दोनों इलाहाबाद के हैं ना, इसलिए ख्यालात मिलते हैं हमारे। आप अमिताभ को जानते हैं? जानते हैं? अरे पागल, हम लोग एक गाँव के, एक मोहल्ले के, एक गली के, एक घर के। नहीं। एक घर के बीच में दीवार थी, दीवार के उस तरफ वो लोग, इस तरफ हम लोग, बचपन से ही। प्रभु गुरु, माधुरी आपको रास्ते में मिलती है, अमिताभ को आप जानते हैं। इस शहर में रह के आप अमिताभ को एक बार मिल क्यों नहीं लेते? मिलेंगे बाबूलाल, मिलेंगे, बस एक बार कमिश्नर बन जाऊं। लेवल लेवल। कौन खूबसूरत लड़की आ गई मेरी पार्टी में?
आई एम दयाशंकर पांडे. हेलो नमस्कार. आई एम इंस्पेक्टर दयाशंकर पांडे. वेलकम. आपका शुभ नाम? राधा. हाँ राधा. राधा आप बहुत ही सुंदर लगती है. आइए वेलकम प्लीज. आइए आप जैसे सुंदर. हेलो हाँ? आप जैसे खूबसूरत लड़की आई ना को देखकर मैं और मेरी तन्हाई अक्सर यही बातें करते हैं कि ऐ हिंदुस्तानी नारी तेरा लिबास है सारी. तू जो घूंघट निकाले तो लग जाए बुरी नजर को ताले और तू जो एक झलक दिखा दे दिल वाले जिंदगी भर अपना दिल संभाले. अगर आप ना होती तो ये जिंदगी कहाँ होती. अजी आप जहां होती ये जिंदगी वहां होती और अगर आप वहां भी ना होती तो हम वहां होते जहां आप होती. कुछ जुस्तजू होती कुछ गुफ्तगू होती कुछ तबादलाए ख्याल होता कोई हमारा भी हम ख्याल होता. राधा थैंक यू. साहब हम लोग यहाँ क्या करने आए हैं? अरे बेवकूफ जहाँ पर गड़बड़ होती है वहीं पर पुलिस होती है. हमको एक लड़की का फोन आया था कि आज इस होटल में कुछ गड़बड़ होने वाली है और हमारे रहते हुए हमारे एरिया में गड़बड़ नहीं होती. होगी बच्चू बहुत गड़बड़ होगी. मैं डूबूंगी तुम बचाओगे फिर हम खाने पे जाएंगे और फिर धीरे धीरे बात आगे बढ़ेगी. साहब मुझे तो वहाँ रंग बिरंगी तितलियाँ नजर आ रही है. कहाँ देख रहा है? वहाँ. अरे नहीं तो अरे मुझे तैरना नहीं आता मैं डूब जाऊंगी. अरे नहीं चलो. अरे बाप रे ये नस्तर. साहब क्या हुआ? अरे साहब क्या हुआ? साहब क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? वो जो लंबी लड़की है ना बहुत बड़ा नस्तर है. पागल है यहाँ से खिसकना पड़ेगा के? अरे अरे कोई है यार. अरे यहाँ पर कोई इंस्पेक्टर नहीं है क्या? तुमको ठहरना नहीं आता तुम लोगों को? यहाँ पर क्या डूबने आई हो? अरे कोई बचा लो यार. आप क्यों नहीं बचाते? अरे हमारे कपड़े गीले हो जाएंगे ना. सर धक्के में भी बात है. अबे चुप है धक्के में क्या बात हो सकती है साले हम डूब जाते तो.
और वो लड़की ओए हाय हाय राधा एक्सक्यूज मी राधा जी आपने हमें पहचाना नहीं जी नहीं मैं दयाशंकर पांडे पार्टी ओह अच्छा अच्छा अरे सुनिए तो सही जी आज आप बहुत ही सुंदर लग रही हैं अरे सुनिए तो सही आप खाना खाती हैं जी खाती हूँ रात को भी हाँ जी अकेले खाती हैं जी तो हमारे साथ खाइए ना वो जी नहीं अगर वो तुम्हें राधा समझता है तो तुम उसे राधा ही बनकर प्यार करती रहो ना इसमें प्रॉब्लम क्या है नहीं मैं उसे सच बता देना चाहती हूँ कि राधा और तुम मैं ही हूँ मगर डर लगता है कहीं सच बोलने के बाद मेरी मोहब्बत ना टूट जाए ओ तो तू डरती है तू डरती है ना एक मिनट एक मिनट एक मिनट तू डरती है ना एक मिनट ये ले ये क्या है ये जैसे ही अंदर जाती है ना प्यार की बात तलवार बनकर बाहर आ जाती है और डर 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 कर भाग जाता है अच्छा दया तुम दारू पे क्या हो पकड़ो दारू पे बिड़े कमरे क्या कर रहे हो दया मुझे तुमसे एक बात बतानी है तुम जो बात करनी है तुम बरामदे में चल के करो मेरे साथ चलो चलो निकलो यहाँ से घर में कैसे घुस गई यार अरे वजन कितना है अरे किधर गया सर क्या कर रही है मरवाएगी अरे बाप क्या हो रहा है चुपे मैं थोड़ी लेके आया इसको ये तो खुद आ गया पर चल निकलो चलो निकलो भैया सो जाओ क्या आहिस्ते आहिस्ते भैया ये क्या कर रहे हो तेरे को क्या करना है सुन जा बड़े भाई से सवाल पूछती तू इधर आ इधर आ आवाज आ रही है आवाज कहाँ से चूहा होगा जा सो जा
ke tum bangte dim dik dam dik te dam 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 tum bam bam ke tum tang ta 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 dam bam bam ke tum bangte
मुन्ना कहाँ है? मुन्ना कहाँ है? मुन्ने को करियर ना उठा कर ले गया। कहता है अगर तुमने जयचंद के खिलाफ बयान नहीं दिया तो वो मुन्ने को मार डालेगा। तुम्हारा लीडर जयचंद है, इस पे दस्तखत करो। म्याओ म्याओ। उदय शेट्टी बोल, इसका सांस कब तक चलना? चलने का नहीं रे, रुकना। छाती के अंदर सांस रुकना। सोच ले, एक बार बिल्ला ने सुपारी ले ली तो तीर कमान से निकल गए। करियन ना, उदय शेट्टी ने तो जयचंद के खिलाफ बयान दे दिया है, फिर उसको मारने का मतलब? अरे तू दगड़ू का दगड़ू रह गया रे। अरे जयचंद के डर से अगर कोर्ट में उस उदय शेट्टी ने अपना जुबान फेर लिया तो, मेरा नाम बोल दिया तो, अरे दगड़ू, अभी तो उदय शेट्टी मरेगा ही मरेगा, और जब वो मरेगा उसके बयान पे पुलिस के चंगुल में जयचंद अपने आप आ जाएगा। दूसरा वारंट लेकर आऊंगा और तेरे इस जुर्म के बाजार को जड़ समेत खत्म कर दूंगा। म्याओ म्याओ। पुलिस कमिश्नर अवतार कौशिक। कमिश्नर? हाँ बिल्ला, कमिश्नर को टपकाने की तुझे इतनी बड़ी कीमत दूंगा जो तूने लिखी ना पढ़ी होगी। थिएटर के बाहर मर्डर हुआ यानी कि पब्लिक जमा होगी। इंस्पेक्टर दयाशंकर। हेलो सर। जयचंद ने कमिश्नर कौशिक साहब को 24 घंटे में जान से मारने की धमकी दी है। वेरी बैड सर, दिस इज साउंडिंग वेरी डेंजरस टू मी। उनके हिफाजत के लिए मैं तुम्हें तैनात करता हूँ। मुझे? मुझे क्यों? मेरा मतलब है कि सर, इस काम के लिए आपको किसी दूसरे ऑफिसर को अपॉइंट करना चाहिए सर।
मगर तुम्हारे कारनामे तो मैंने बहुत बड़े बड़े सुने हैं। अरे कारनामों से तो मैं खुद तंग आ गया हूँ सर। सर आप एक काम कीजिए, आप इंस्पेक्टर शिवा को अपॉइंट कर लीजिए, वो 20-22 माले की बिल्डिंग से कूद जाते हैं। मेरा क्या है, मैं तो टेबल से कूद नहीं पाता हूँ। इसमें भी बात है गुरु। अबे इसमें बात क्या है भाई, जिंदगी और मौत का सवाल है बाबूलाल। तुम तो मालूम है आप ऐसे बोल बोल के मैदान मार लेते हो। ये रहा ऑर्डर, आज से कमिश्नर साहब की रक्षा तुम करोगे। सर हे भगवान, ये कैसे कैसे पंगों का सामना करवा रहा है तू। बोलो सक्सेना। जयचंद साहब, मैंने अफसरों की छुट्टियों का हेर फेर करवा के कमिश्नर साहब की हिफाजत के लिए एक डरपोक ऑफिसर को तैनात करवा दिया है, दयाशंकर।
फौरन दयाशंकर का ब्लड ग्रुप टेस्ट करो एंड आई वांट दिस टेस्ट टू बी डन इमीडिएटली। डॉक्टर साहब मेरा दोस्त ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। शिवा मां, शिवा दया मां, सब सब ठीक हो जाएगा मां, आप फिक्र मत कीजिए प्लीज, आप बैठिए मां। शहर में आज सुबह कुछ अज्ञात गुंडों ने पुलिस कमिश्नर अवतार कौशिक की गाड़ी पर हमला किया और उनकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। अरे साला मर गया भैया, साला मर गया कमिश्नर, मर गया मर गया मर गया। अरे बला आया था मेरे भाई को वारंट दिखाने, मर गया साला, ऊपर गया। गुड जॉब। तू तो राधा बिल्कुल नहीं सोई होगी ना? क्या कह रही है तू नीता? भैया अभी तक सो रहे हैं? ओह नो। नीता तू आ गई? हाँ भैया, देखो ना रितु ने रात भर कितना आपके लिए जाके ख्याल रखा है और रितु की आंखें भी लाल हो गई हैं। रितु रितु तो हाँ बोल ना रितु क्या? नहीं भैया ये रितु नहीं राधा है। राधा नहीं रितु, अरे बाप रे। पगले मैं जानता हूं कि रूप दो है मगर जान एक, तुम ऋतु हो या राधा, मैं दोनों से दिलो जान से प्यार करता हूं।
नमस्कार डॉक्टर साहब। हेलो। कहिए, ऐसी कौन सी खास बात थी जो कहने के लिए आपको मुझे यहाँ बुलाना पड़ा? कुछ बातें गीले कपड़ों की तरह होती हैं दयाशंकर, जिन्हें निचोड़ो तो आंसू टपकने लगते हैं और दिल में रख लो तो दिल का बोझ बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? कहने की कोशिश तो बहुत दिन से कर रहा था दयाशंकर, लेकिन कह नहीं पा रहा था। तुम्हारे माँ बाप के साथ तुम्हारा प्यार, तुम्हारे भाई बहन के साथ तुम्हारा दुलार, प्यार के इस तैरते हुए समंदर में ये पत्थर सा फेंक देना मेरे बस में नहीं था। और फिर रितु और तुम्हारी मोहब्बत ने भी मेरे हाथों को जंजीरों से जकड़ दिया था दयाशंकर। रितु के प्यार ने मुझे और भी बलवान बना दिया है। आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं खुलकर कहिए मुझसे। सच्चाई बहुत कड़वी है दयाशंकर। कौन सी सच्चाई? कैसी सच्चाई? तुम्हें ब्लड कैंसर है। तुम सिर्फ चंद दिनों के मेहमान हो दयाशंकर। अपने आप को संभालो दयाशंकर। दुलनिया, अरे माँ, ये बंदरिया लाल साड़ी में कैसे लगेगी? परी लगेगी, परी मेरी बेटी। क्यों हमेशा सताता रहता है उसको? जिस दिन हमारी नीता बेटी दुल्हन बनेगी देखना कितनी सुंदर लगेगी। इसीलिए तो मैं इसके लिए ये सोने का हार लेके आया हूँ। सुनो, जल्दी से ये हार और ये साड़ी पहन के अपने भैया को दिखाओ ना। हाँ भैया, अभी आई। ये लो। भैया, आपको मैंने मोटरसाइकिल के लिए कब से बोल रखा था? अरे हाँ यार, तेरी मोटरसाइकिल ना, वो भी मैं तुझे कल ही ला कर दे दूंगा, तू चिंता मत कर। थैंक यू भैया। कि हमें ऐसा बेटा मिला। बेटे, कभी कभी डर लगता है कि घर की इन खुशियों को किसी की नजर न लग जाए। नजर कैसे लग सकती है? हर रोज जो मैं इसकी आरती उतारती हूँ। मैं तो कहता हूँ नीता की शादी और दया और ऋतु की शादी एक ही रोज कर दे। नहीं, मेरी तुझे शादी करके उसकी जिंदगी तबाह नहीं कर सकता। मुझे भुला देना होगा उसकी मोहब्बत को, उन वादों को, उन कसमों को। इंसान की जिंदगी भी क्या है, पानी पर बनी एक तस्वीर है बस।
हे विधि की लिखने वाले विधाता, ये क्या लिख दिया तूने मेरे नसीब में? ऐसा अंधकार कर दिया मेरे जीवन में जिसका कोई सवेरा ही नहीं। अगर यही अंजाम करना था मेरी जिंदगी का तो मुझे इतनी खुशियां क्यों दी? माँ बाप भाई बहन का प्यार, रितु की चाहत, ये इतना सब कुछ क्यों दिया मुझे? और अगर दिया तो ये क्यों नहीं सोचा कि मेरे मरने के बाद इन सबका क्या होगा? शायद इसलिए नहीं सोचा कि यहां तेरे दरबार में तो सर झुकाने के लिए सारी दुनिया पड़ी है। एक मर गया तो क्या, मगर भगवान अगर मारना ही है तो जीवन क्यों? अगर विनाश ही करना है तो जन्म क्यों देता है? इंसान को भाई बहन माँ बाप प्रेमी इन सब बंधनों में बांधता ही क्यों अगर इन बंधनों को तोड़ना होता है? ये मौत नाम की चीज बनाई क्यों तूने इंसान को? तेरे नाम से डराने के लिए, तेरे सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने के लिए, अपनी लंबी उम्र की भीख मांगने के लिए? अगर ऐसा ही है भगवान तो ले, मैं तेरे सामने हाथ जोड़कर दया की भीख मांगता हूं। मैं मरना नहीं चाहता भगवान, मुझे जिंदगी दे, मैं जीना चाहता हूं। मैं ये झोली फैलाकर दया की भीख मांगता हूं भगवान, कि मुझे कम से कम इतनी जिंदगी दे कि मैं एक भाई होने का फर्ज अदा कर सकूं, अपनी बहन को डोली में बिठाकर विदा कर सकूं, अपने मां बाप को इतना रुपया कमा कर दे सकूं कि वो जिंदगी भर चैन की रोटी। चैन की रोटी खा सके। और अगर इतनी भी उम्र नहीं दे सकता तू मुझे तो मैं सोचूंगा कि तू भगवान नहीं। अरे तुम और यहाँ? हाँ क्यों? ये तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है? कुछ नहीं, पूजा में मन लग गया ना तो आंख भर आई। जानते हो ये वही जगह है जहाँ पे मैंने तुम्हारी जिंदगी मांगी थी और आज तुम्हें मांगने आई हूँ। पता है यहाँ पे मांगने से सब कुछ मिल जाता है। माँ जी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। क्या? यही कि नीता की और हमारी शादी एक साथ ही होगी। हमारी शादी की इतनी जल्दी क्या है? अरे बाबा, जिंदगी सिर्फ 4 दिनों की होती है। हमने तो दिन गिनने ही छोड़ दिए। चलो छोड़ो, ये बताओ तुमने भगवान से क्या मांगा? पहली बार मांग कर देखा है। वैसे अगर मांगने से सब कुछ मिल जाता तो इस दुनिया में कोई बदनसीब नहीं होता। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, वो भी मंदिर में? अरे भाई सच तो बोल रहा हूँ। अरे बाबूलाल तुम? गुरु 3 दिनों से आप दिखाई नहीं दिए। मैं 3 दिनों से खाना नहीं खाया, रोज डिब्बे बदलता हूँ मगर खाना नहीं खाया। गुरु गुरु आपके कारनामे मेरे गांव तक पहुँचे हैं। मैं कमला को हमेशा चिट्ठी लिखता हूँ ना, मैं कहता हूँ गुरु ने आज ये किया, गुरु ने आज वो किया। और कमला की सुबह चिट्ठी आई, वो लिखती है गुरु ने ये किया, गुरु ने वो किया, तुमने क्या किया? गुरु मैं भी कुछ कारनामे करना चाहता हूँ, नहीं तो कमला मुझसे शादी नहीं करेगी। गुरु बाबूलाल तुम खाना खा लो। खाना खाने वाली बात में भी कोई बात है गुरु। गुरु की जय हो, आज मैं खाऊंगा। धन्य है गुरु, गुरु ने ठीक कहा, खाना खा लो। अरे खाना खाऊंगा तो बदन में ताकत आएगी, बदन में ताकत आएगी तो दिमाग चलने लगेगा, और दिमाग चलने लगेगा तो
कारनामे भी होंगे। कमला अब तो मेरे कारनामे देख। तो यही है वो अड्डा जहां मुजरिमों के बम बारूद और हथियार रखे हुए हैं। एक ही बम से पूरा मामला खत्म कर दूंगा। पेपर में नाम आएगा, पहला कारनामा, कमला खुश हो जाएगी, क्या बात है, सब मर जाएंगे। अब तो फटा 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 अब तो फटा 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 अब तो फटा 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 रे। अरे तू मरवाएगा मुझे, मरवाएगा, दे 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 मेरे हाथ दे 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 मरवाएगा ये भगवान, ये कैसा कुत्ता है रे, भाजा भाजा। दीवान, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जबरदस्त एजेंट हूं मैं। बैठो बाबा। थैंक यू जी। मैं लाइफ इंश्योरेंस और एक्सीडेंट पॉलिसी निकालना चाहता हूं। एक्सीडेंट पॉलिसी? बड़ी तुम काम क्या करता है? पुलिस इंस्पेक्टर हूं मैं। बड़ी समझ गया नहीं। तुम एक्सीडेंट का पॉलिसी निकालेगा और ड्यूटी पर मरेगा नहीं तो तुमको रुपया ज्यादा मिलेगा। मतलब एक एक्सीडेंट पॉलिसी और एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। बड़ी तुम्हारा उम्र क्या है? 25 साल। काय को मजाक करता है, जवानी में मर जाएगा तो कंपनी डूब जाएगी ने। अरे बाबा इतना जल्दी क्या है, बुढ़ापे तक जियो, आराम से जियो, आराम से मरो। तुम्हारी गाड़ी छूट रही है क्या? अरे दीवानी साहब, यहाँ मरना कौन चाहता है, लेकिन कब कौन कहाँ कैसे, अब क्या बोलूं मैं आपको? हाँ समझ गया समझ गया। तुम्हारा बाप तो बराबर है, मौत नाम की चीज नहीं होती तो हमारी दुकान थोड़े ही चलती। अरे लोग मौत से डरते हैं इसलिए तो पॉलिसी निकालते हैं। तुम्हारा कितने का पॉलिसी निकालने का है, 1 लाख का या 5 लाख का? 15 लाख। 15 लाख? इतना बड़ा पॉलिसी? तुम क्या कल परसों में मरने वाला है? अब मौत का क्या भरोसा, कब आए कब ले जाए। अरे बाबा तुम मर जाएगा तो तुम्हारी पॉलिसी का पैसा किसको मिलेगा, उसका भी तो नाम बोलो। मेरे परिवार को। हाँ। मेरी माँ बाप भाई बहन इन सबको। ये लो तुम्हारा पॉलिसी हो गया, इधर साइन करो। तुमको मालूम है तुम ड्यूटी पे मर जाएगा नहीं तो इंश्योरेंस कंपनी से 15 लाख का 35 लाख रुपया मिलेगा। 15 लाख का 35 लाख रुपया इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा। तुमको मालूम है तुम ड्यूटी पे मर जाएगा नहीं तो इंश्योरेंस कंपनी से 15 लाख का 35 लाख रुपया मिलेगा। जयचंद से दुश्मनी ही मेरे परिवार की जिंदगी बन सकती है,
और अगर मेरी मौत ड्यूटी पर हुई तो मेरे परिवार को 35 लाख रुपए मिल जाएंगे। हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? जयचंद, मैं इंस्पेक्टर दयाशंकर बोल रहा हूँ। मैं तेरी काली नगरी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तुझे हर कदम पर इतना भारी भरकम नुकसान पहुंचाऊंगा कि नुकसान की चोटों से टकरा टकरा कर तू चकना चूर हो जाएगा। अगर तूने माँ का दूध पिया है तो जब मैं ड्यूटी पर रहूं तब मुझ पर गोली चला कर दिखा, मौत की नींद सुला कर दिखा मुझे। सरकार आग में तपती हुई खबर लाया हूं, इंस्पेक्टर दयाशंकर और जयचंद में कांटे की दुश्मनी हो गई है। अय्या जयचंद। हेलो, कल जयचंद का माल उतरता जी। कौन हो तुम? अय्यो रामकृष्णा, गुमनाम इंफॉर्मेशन देने वाले का कोई नाम होता है क्या जी? लेकिन मैं तुम्हारा यकीन क्यों करूं? यकीन तो तुमको करना पड़ेगा जी, अगर तुम इसको मस्करी समझा तो जिंदगी भर रोएगा जी। माल गोल्डन बीच पे उतरता। जयचंद का माल और ड्यूटी पर मेरी मौत, यही तो मेरा मकसद है। मौका अच्छा है। बेटे, मैं मंदिर में तेरी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करने गई थी। माँ, तू मेरी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करना छोड़ दे। छोड़ दूँ? क्यों? अब हम पुलिस ऑफिसरों की जिंदगी का क्या भरोसा? चुप, अशुभ नहीं बोलते। तू तो वीरों का वीर है, हम सब की उम्र भी तुम्हें लग जाए। जीते रहो। अरे ये क्या हो गया तुझे? कुछ नहीं माँ, मन करता है तेरे चरणों में पड़ा रहूं, बस हर पल हर घड़ी तुम सबके साथ बिताऊं। और इसी तरह जिंदगी यही कट जाए। किसी बच्चों जैसी बातें कर रहा है। अरे बेटे, तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे हम लोगों से कहीं बहुत दूर जा रहे हो। अरे भैया, तुम कहाँ जा रहे हो? भैया, मालूम है आपके बगैर घर कितना सुना सुना लगता है? आप है तो लगता है सब कुछ है, आप नहीं है तो कुछ भी नहीं है।
ही मालूम था ना कि आपका ताला माल किधर है ना? ये तूने ठीक नहीं किया करिया। Thank you.
नुकसान। अयो छोटा छोटे को बहुत प्यार करता है जी। हम छोटे को छोटा चिता जलाएगा, उसमें से आग आग निकल आएगा, लाश लाश रहेगा इधर, और उस लाश पर हंस के बैठेगा करियन्ना।
मेरे भाई का प्यारा जिंदा है, अपने छोटे के कातिल को मैं खुद सजा दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, कुछ गुंडे नेहरू पार्क में बच्चों के ट्रेन में घुस गए हैं और गोलियां चला रहे हैं। देखिए, हमारे बच्चों की जान खतरे में है, आप प्लीज जल्दी आ जाइए। ओके। अंदर कर दो, अंदर मैं एकदम सेफ। यलो यलो दे दिया, गन दे दिया। ऑफिसर है जिसने मासूम बच्चों की जिंदगियां बचाकर और करियन्ना जैसे खतरनाक वांटेड मुजरिम को गिरफ्तार करके कानून का सर ऊंचा किया है। पुलिस ऑफिसर दयाशंकर को पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से गोल्ड मेडल और 50,000 रुपए कैश इनाम दिया जाता है। मेरी मर्जी भैया, मेरी मर्जी।
मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे यहाँ जाऊं, मैं चाहे वहां जाऊं, गोरे को मैं कहूं काला, जीजा को मैं बोलूं साला, नदी को मैं बोलूं नाला, चाबी बिना खोलूं ताला, मेरे बारे में कुछ कहना नहीं, चुपचाप बैठे रहो बोलना नहीं, मुझे समझाना मत झूठ सही, चाहे पी जाऊं मैं चाय कॉफी डाल के दही। हाथ में पहनो बूट, पेट्रोल
को नहीं गाने का है। मेरी मर्जी। इतनी घबराहट किस लिए? हमारे धंधे में इस तरह का उतार चढ़ाव कोई नई बात तो नहीं है। जयचंद साहब, पुलिस की रेड कब और कहां पड़ जाए पता ही नहीं चलता। जयचंद साहब, हमने तो फैसला कर लिया है, जब तक इंस्पेक्टर दयाशंकर इस शहर में है हम धंधा बिल्कुल नहीं करेंगे। आप दयाशंकर को खत्म ही क्यों नहीं करवा देते? इंस्पेक्टर दयाशंकर को टपकाने का इंतजाम हो जाएगा। तुम मुझसे इस तरह कतरा क्यों रहे हो? दिन ब दिन मुझसे दूर क्यों चले जा रहे हो? आखिर मेरा कसूर क्या है? किसी से दूर जाने के लिए सामने वाले का कसूरवार होना जरूरी तो नहीं है। लेकिन तुम मुझे किस गुनाह की सजा दे रहे हो? होता है, ऐसा होता है, कभी कभी बेगुनाह को भी सजा मिलती है। दया सुनो, मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, बहुत सताया मैंने तुम्हें। अगर उस बात का बदला तुम मुझसे आज ले रहे हो तो ठीक है, लेकिन रितु, दुनिया में इंसान को प्रैक्टिकल होना चाहिए। प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल? What do you mean प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल यानी कि जैसे कि कल और आज में बहुत फर्क है भाई। क्या फर्क है कल और आज में? अखबारों में मेरी तस्वीरें नहीं देखी तुमने? मेरी बहादुरी के कारनामों के चर्चे हैं सारी दुनिया में। बड़े से बड़े लोग मुझे अपना रिश्तेदार बनाना चाहते हैं। खूबसूरत से खूबसूरत लड़की आज मेरे पीछे पड़ी हुई है। कार, मोटर, गाड़ी, बंगला मुझे ऐसे मिल सकता है, ऐसे। तो क्या दुनिया की सारी खुशियां मेरे सामने खड़ी हुई है और तुम मेरे पीछे पड़ी हुई हो? पूछती हो तो क्या मैं तुम्हारे पीछे पड़ी? तुम्हारे लिए मेरा प्यार, मेरी चाहत। एक मिनट, देखो एक अलमारी होती है, उसमें कई खाने होते हैं। आज जब मैं जिंदगी की उस अलमारी को खोल कर देखता हूं तो तुम मुझे बहुत ही नीचे के खाने में नजर आती हो। नीचे, बहुत नीचे, और मैं बहुत ऊपर। तुम में और मुझ में जमीन आसमान का नहीं, आसमान और पाताल का फर्क है। और मैंने अपनी नजरें हमेशा आसमान के सितारों पर रखी, जमीन की धूल पर नहीं। डोंट क्राई, बी प्रैक्टिकल। वाह, क्या बदला दिया तुमने मेरे प्यार का। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, अपनी जिंदगी बदल डाली, अपने आप को बदल डाला सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारा प्यार पाने के लिए। मैं इसे कभी नहीं भूल सकती, नफरत करती हूं मैं तुमसे। I'm sorry रितु, मुझसे नफरत करोगी तभी तो किसी और से प्यार कर पाओगी तुम। मैंने तुम्हें यह पूछने के लिए बुलाया था दयाशंकर के कैसे हो? ठीक हूं डॉक्टर। तुम्हें चक्कर नहीं आते? डॉक्टर, मैंने मौत से समझौता कर लिया है, अब मुझे कोई तमन्ना नहीं। तमन्ना है तो बस मौत की, मगर कमबख्त वो भी तो नहीं आती। मुझे डॉक्टर, मेरी जिंदगी के और कितने दिन बचे हैं? ज्यादा नहीं। कोशिश करने पर भी मौत नहीं आई, मेरा ड्यूटी पर मरना भी जरूरी है, तभी तो मेरे परिवार वालों को 35 लाख रुपए मिलेंगे। दिन थोड़े ही रह गए हैं मेरे जिंदगी के, क्यों ना मैं जिंदगी को ऐसे मुकाम पर ले जाकर खड़ा कर दूं जहां पर मौत को मेरा शिकार करना ही पड़े। मैं मौत कैसे सौदागर के पास चला जाऊंगा जहां पर पैसे लेकर मुझे मार दिया जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट किलर। इंस्पेक्टर दयाशंकर। इसको सिर्फ ड्यूटी पर ही मारना है, कहां वो मैं बताऊंगा। मैं आऊं। तुम,
ये रहे 50,000। इतने पैसे में पिल्ला पुलिस स्टेशन के सामने खड़े कुत्ते को भी नहीं मारेगा। मैं जयचंद, बिला सुपारी 50,00,000 की है। मरने वाले का नाम इंस्पेक्टर दयाशंकर। सात दिन के अंदर इस पुलिस वाले का काम तमाम होना चाहिए। 7 दिन क्यों, 7 घंटे में हो जाएगा। बिल्ला इसकी भी म्यों म्यों कर देगा, लेकिन एक बात याद रखना कि उसे सिर्फ ड्यूटी पर ही मारना। ब्लड बैंक में इस ग्रुप का खून नहीं है, आप फौरन कुछ इंसाफ कीजिए। हरी अप प्लीज। बी पॉजिटिव दयाशंकर। दया, तेरा भी तो ग्रुप बी पॉजिटिव है, चल चल मेरे साथ। हाँ है तो मगर। मगर क्या, अगर उसे खून नहीं मिला तो वो मर जाएगा। तो मेरा खून मिलने से कौन सा बच जाएगा? क्या इस दुनिया में मरने वाले को कोई बचा नहीं सकता और बचने वाले को कोई मार नहीं सकता। सच कहा है रे तूने, तुझे 2-4 मेडल क्या मिल गए, अखबारों में तेरी तस्वीर क्या छप गई, पता नहीं तू अपने आप को क्या समझने लगा है। दया, दया, अरे तुझसे तो तेरे सारे मेडल छीन लेने चाहिए और तेरा यह घमंडी रूप अखबारों में छाप देना चाहिए जो एक मरते हुए पुलिस ऑफिसर को खून देने से इनकार कर रहा है। तू मुझे कितनी भी गाली दे, कितना भी जलील कर मुझे, मगर मैं उसको खून नहीं दूंगा, मतलब नहीं दूंगा। क्या कहा तूने, क्या कहा तूने, तू उसे खून नहीं देगा? अरे खुदगर्ज मतलब परस्त, तू आदमी नहीं जानवर है। जानवर शिवा, मैं उसे इसलिए खून नहीं देना चाहता। अरे मैं जानता हूँ तू उसे खून क्यों नहीं देना चाहता, मैं जानता हूँ, क्योंकि तेरे अंदर का इंसान मर चुका है, तेरे अंदर का जमीर मर चुका है, तेरे अंदर एक अहंकारी ऑफिसर ने जन्म ले लिया है, इसलिए तो तू उसे मरता हुआ देख सकता है। मैं उसे मर मर कर जीता हुआ देखना नहीं चाहता, इसलिए उसको खून नहीं दे रहा हूं। मैं मौत के डर से हर पल कांपता हुआ देखना नहीं चाहता, मौत के पहले ही मौत के खौफ से अधमरा होता हुआ देखना नहीं चाहता, इसलिए उसको खून नहीं दे रहा हूं मैं। मुझे कैंसर है शिवा, मुझे ब्लड कैंसर है। क्या क्या कर रहा तू? मुझे ब्लड कैंसर है। कमिश्नर कौशिक को बचाते हुए मैं भी घायल हो गया था, उस वक्त मेरा भी ऑपरेशन हुआ, तभी जब खून की जरूरत पड़ी थी डॉक्टर ने मेरा खून टेस्ट किया
और बाद में उसी डॉक्टर ने आकर मुझे बताया कि मैं मुझे उस दिन हाँ उसी दिन मुझे मालूम हुआ कि मेरे खून में मुझे माफ कर देते हैं मुझे माफ कर दे क्यों क्या हुआ तू नहीं मर सकता जिसके सर पर इतनी जिम्मेदारियां हो इतने लोगों का आशीर्वाद हो वो नहीं मर सकता अरे मर तो मैं रहा हूं ये क्या कह रहा है तू हां और मुझ जैसे आदमी को तो मर ही जाना चाहिए क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है तेरी वजह से हां दया जिस रोज तुझे हॉस्पिटल में लाया गया उस रोज यार राजेश अपना दया उसे देखो शिवा हमें ये कंप्लेंट मिली है कि ड्यूटी के वक्त शराब पीकर तुमने गाड़ी के साथ एक्सीडेंट किया है दया की जिंदगी खतरे में थी इसलिए मैं गाड़ी तेज चला रहा था और फिर रास्ते में एक प्रेग्नेंट औरत आ गई उसे बचाते बचाते मेरी गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा गई बस आई एम सॉरी शिवा मेरे पास ब्लड टेस्ट करवाने के तुम्हारे ऑर्डर्स हैं अगर ब्लड रिपोर्ट से यह साबित हो गया कि ड्यूटी के वक्त तुमने शराब पी रखी थी तो तुम्हें नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाएगा चलो चलो शंकर का ब्लड ग्रुप क्या है सिस्टर बी पॉजिटिव मैंने एक दो टेस्ट और बोले थे उनका क्या हुआ वो होने वाले हैं अभी बाकी हैं सर ओहो खैर फिलहाल मैं ऑपरेशन शुरू कर रहा हूं प्लीज हरी अप ओके अगर मैंने दया शंकर की खून की जगह अपना खून रख दिया और अपने खून की जगह दया शंकर का खून तो मेरे खून में तो शराब मिलेगी नहीं और दया शंकर तो पीता ही नहीं है नौकरी भी बच जाएगी और पुलिस डिपार्टमेंट की बदनामी भी नहीं होगी सिस्टर मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है एक ग्लास पानी मिलेगा हाँ तूने ऐसा किया था तूने किया था ऐसा मजाक हाँ क्यों खेला मेरी जिंदगी के साथ हाँ क्यों खेला हाँ क्यों खेला तू क्या बिगाड़ा था मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था मैंने कितना तड़पा हूं मालूम है तुझको कितना तड़पा हूं मैं मौत के खौफ में पल पल मरता रहा तेरी वजह से मैंने अपनी रीतु किया अपनी जान को हाथ में लेकर जिंदगी का जुआ खेलता रहा मौत का इंतजार करता रहा तेरी मौत आने वाली और मालूम ना होना तो जिंदगी आसानी से कट जाती है मगर एक बार मालूम पड़ जाए कि मौत चंद कदमों पर खड़ी है तो जीना तो दूर मरना भी मुश्किल हो जाता है मालूम है तुझको मार मार मुझको दया शिवा रुक क्यों गया मार मुझको मार मुझको दया शिवा मार मुझको शिवा मुझे माफ कर दे शिवा मैं भाग गया था शिवा 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 मुझे माफ कर दे शिवा मुझे माफ कर दे शिवा मैं भूल गया था कि जिस मुकाम पर मैं खड़ा था अब तू खड़ा है मुझे माफ कर दे यार गलती हो गई यार मुझसे मुझे माफ कर दे यार मैं भाग गया यार सब क्या हो गया दोस्त सब क्या हो गया मैं पूछता हूं इंस्पेक्टर का बच्चा क्यों नहीं मरा क्या तेरे अंदर का वो खूनी बिल्ला दयाशंकर की दहशत से मर गया
जजन, किस्मत वाला था वो जो बच गया, वरना बिल्ला के निशाने से आज तक कोई नहीं बचा। 24 घंटे के अंदर तुझे दयाशंकर को टपकाना पड़ेगा, क्योंकि जब जयचंद किसी काम की कीमत दे देता है तो पैसा वापस नहीं लेता। तूने मेरी जिंदगी तो मुझे लौटा दी, मगर मेरी रितु को मुझसे छीन लिया। तू तो जानता है दुनिया में कोई इंसान अपने पहले प्यार को नहीं भूल सकता। भगवान, मैं रितु को सच बता दूंगा, बस मेरा वो यकीन करे।
कैसा लग रहा है जेल का अंधेरा? अयो इंस्पेक्टर, हमको अंधेरा तो क्या, इधर के उजाले से भी डर लगने लगा है रामकृष्ण। खोल दूं ताला? हाँ। कितना माल देगा? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 दिया दिया, 10 मेरा और 5 ले 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 ले, ताला खोल पहले। जयचंद, तूने मेरे को फंसाया। ये झूठा इल्जाम है मुझ पर, साजिश है मेरे खिलाफ। मैं नहीं जानता कि 5 लाख रुपए मेरे घर में कैसे आए। सर, मैंने करिया को जेल से नहीं भगाया। सर, झूठ बोलता है सर ये, इसने मुझसे लॉकअप की चाबी छीनी, करिया को सेल से बाहर निकाला और फरार कर दिया। यहां तक कि मेरे रोकने पर इसने मुझे मारा भी। बगलों के फेंकी हुई हड्डियों पे पड़ने वाले कुत्ते, छोड़ दे हड्डियां, छोड़ दे मेरा नाम खराब करने की कोशिश करता है। छोड़े सर, छोड़े मुझे कुत्ते। देश की कंट्रोल योरसेल्फ, तुम इतने जज्बाती कैसे हो गए? सर, मैं ये कलम कैसे पोत लूं कि मैं एक ना वफादार पुलिस ऑफिसर हूं? कैसे झेलूं इस कलम को कि मैं एक बेईमान पुलिस ऑफिसर हूं? मुजरिमों से मिला हुआ मैं। ऐसा पत्थर मारा इसने मेरे ईमान के आईने पर के चकना चूर हो गई मेरी सहन शक्ति और मैं बेकाबू हो गया। आई एम सॉरी सर। दयाशंकर, तुम एक बेमिसाल पुलिस ऑफिसर हो, मगर वक्त, हालात और सबूत सभी तुम्हारे खिलाफ हैं। इसके आधार पर तुम्हें नौकरी से सस्पेंड किया जा सकता है और तुम्हें गद्दार और बेईमान पुलिस ऑफिसर करार दिए जा सकते हो। फिर भी तुम्हारा रिकॉर्ड देखते हुए मैं तुम्हें एक मौका देता हूं करिया को किसी भी तरह कानून के हवाले करने का। लेकिन दयाशंकर, इसके लिए मैं तुम्हें 12 घंटे से ज्यादा की मोहलत नहीं दे सकता। हाँ, थैंक यू सर, 12 घंटे की मोहलत काफी है मेरे लिए। सब लोग हमारे कब्जे में हैं। कौन हो तुम लोग? हम लोग करियन्ना के आदमी हैं। हमें मालूम है कि तू अपनी वर्दी पर लगा दाग मिटाने के लिए करियन्ना को जयचंद के चंगुल से छुड़ा कर लाएगा, लेकिन तू उसे कानून के हवाले नहीं करेगा, हमारे हवाले करेगा।
शिवा, हे शिवा, शिवा, ये तूने क्या कर दिया मेरे लिए? मेरे सीने पर एक बहुत बड़ा बोझ था, मेरी वजह से आज तक तुम मर मर कर जी रहा था ना? नहीं, तुमने ऐसा क्यों किया शिवा? वैसे विधाया, मेरी जिंदगी तो मौत के बाद शुरू होगी। तय तो हमेशा कहता था ना, शराब छोड़ दे, शराब छोड़ दे। ये ले दया, ये ले, मैंने हमेशा के लिए शराब छोड़ दी, हमेशा के लिए शराब छोड़। शिवा, 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 से बचाया, अब दूसरी बार भी बचाया। पहली बार जो तुझे बचाया बहुत बड़ी गलती की मैंने, इसलिए आज तेरे आदमियों के हाथ में मेरे घर वालों की जान है। बहुत खूब दयाशंकर, बहुत खूब। ये तो जयचंद साहब की चाल थी तुम्हें यहां लाने के लिए। देखो अपने चारों तरफ, जिंदगियों के खेल खेलने वाले खिलाड़ी, मैं इस भंवर में आया जरूर हूं मगर चारों तरफ मौत के बादल फैलाकर। यकीन ना आए तो नमूना देख लो। मेरे घर वालों की जिंदगी करिया के आदमियों के हाथ है। अगर मैं करिया को यहां से लेकर नहीं गया तो मेरे घर वाले मारे जाएंगे। अगर वो मर गए तो मैं जीकर क्या करूंगा, और अगर मैं मर रहा हूं तो तुम सब मरो सालो, सब। आओ करिया, चल।
अयो सीधा चल दयाशंकर करी अन्ना को हमारे हवाले कर दो देखो तुम्हारा परिवार भी हमारे साथ है तो से खत्म कर दूं क्या नहीं पागल कुछ नहीं करना कुछ नहीं बॉम्ब बैटरी बॉम्ब कुछ नहीं करना कमिश्नर साहब दुनिया में हर इंसान को कभी ना कभी गैंबलर बनना पड़ता है अपनी सांसों को दांव पे लगाकर जिंदगी का जुआ खेलना पड़ता है कभी अपने लिए कभी अपनी मोहब्बत के लिए कभी अपने परिवार के लिए तो कभी देश के लिए ये रहे आपके मुजरिम सब लोग अपने अपने हथियार फेंक दो जल्दी वेल डन दयाशंकर करें ना चलो गुरु आपने तो जजन और करियन्ना की छुट्टी करके कमाल ही कर दिया गुरु अरे बाबूलाल इन पापियों की बैंड तो बजनी थी यार इससे पहले हम जहां थे वहां तो धमाल था हमारा वहां का हर गुंडा हर गुंडी हर मवाली हर मवालन यही कहते थे कि दयाशंकर इतना ड्यूटी मत कर और हम यही कहते रहे बराबर कि देखो काम जो है वो पूजा है और जानते हो क्या स्थिति थी हमारी वहां पर हमारी मर्जी के अनुसार हर गुंडा सूखे पत्ते की तरह कांपता था बोलो नहीं मेरा कहा सुन के तो मैं से अब चौको नहीं शोक सभा में ढोल बजाऊं साथ में गाना गाऊं प्याज का परफ्यूम लगा के रोज में ऑफिस जाऊं दो बोतल पानी पी के मैं दाएं बाएं डोलूं चलते हवाई जहाज के मैं सब दरवाजे खोलूं मैं